सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडवोरिका के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय टेंस एस्पेक्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी। हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो लेक्चर में टेंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है और वह कितने प्रकार से हो सकता है अपने कार्य शैली के आधार पर, इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद में हम लोगों ने टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रियल टाइम कितने प्रकार का होता है और इमेजिनरी टाइम को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, और इसके बाद में टाइम और टेंस को कैसे अलग अलग एक ही वाक्य में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन अध्ययन किया। आज के इस वीडियो लेक्चर का जो थीम है वो टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के अंतर्गत यूज होने वाला जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है उसे समझने के लिए है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के अंदर टाइम को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम किस प्रकार का होता है और उनको हम लोग किस प्रकार के प्रीपोजिशंस के द्वारा अपने सेंटेंसेस में टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के किसी भी वाक्य में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम क्या होता है उसे समझने के लिए एक गहन अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे आप हमारे साथ में पेन और पेपर के जरिए नोट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, यानी समय के पीछे की जो अवधारणा है, इन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम। जिस सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे हैं उस सिस्टम के अंतर्गत टाइम को रिप्रेजेंट कितने तरीके से किया जा सकता है और कौन सा प्रीपोजिशन या कौन सा शब्द उसे अपने सेंटेंसेस में कनेक्ट करने के लिए मदद करता है, इन सभी तथ्यों पर विचार करने वाले हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये जान लिया था कि हमारा जो टाइम है वो तीन तरीके का हो सकता है और मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो टाइम हमारा या तो रियल टाइम होगा या फिर इमेजिनरी टाइम होगा, और फर्दर अगर हम लोग बात करें तो रियल टाइम हमारा पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बीता हुआ समय और वर्तमान समय कहते हैं, और इमेजिनरी टाइम जो होता है वह समय होता है जहाँ पर हम लोग किसी कार्य के संबंध में, किसी अवस्था या प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में हम लोग संभावना, प्रबल संभावना, भविष्यवाणी या फिर योजना, इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग फ्यूचर टाइम के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि टाइम चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो या फिर वो फ्यूचर का हो, वो कितने तरीके से यानी कितने रूपों में हमको देखने को मिल सकता है। पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम ये तो हो गए टाइम के प्रकार, यानी रियल टाइम और इमेजिनरी टाइम कितने प्रकार के हो सकते हैं ये बात हो गई। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमको ये जानना है कि चाहे प्रेजेंट टाइम हो, चाहे पास्ट टाइम हो या फिर फ्यूचर टाइम हो, हमारे वाक्यों में वो कितने रूपों में हमें देखने को मिल सकता है। तो इस बात को समझने के लिए हमको समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम, तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टाइम रिप्रेजेंटेशन इन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम। इसे हम लोग इस फ्रेज के जरिए भी समझ सकते हैं, टाइम रिप्रेजेंटेशन इन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम, यानी टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में टाइम को कितने रूपों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो टाइम को टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम को आप लोग हिंदी में समय बिंदु भी कह सकते हैं, और दूसरा टाइम का जो रूप हमको देखने को मिल सकता है वो समय अंतराल के रूप में मिल सकता है, जिसे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग हिंदी में कह देंगे समय अंतराल। तो बड़ी बेसिक सी बात हमने आपके सामने लिखी, हमने ये कहा
कि जो टाइम हम लोग जानते हैं वो रियल टाइम और इमेजिनरी टाइम हुआ, और रियल टाइम हमारा या तो बीता हुआ समय हुआ या तो चल जो वर्तमान समय है यानी जो चल रहा है वो समय हुआ, और इमेजिनरी टाइम जो हुआ उसे हम लोगों ने फ्यूचर टाइम बोल दिया। और उसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश की कि कहाँ पे प्रेजेंट टाइम है, कहाँ पे पास्ट टाइम है और कहाँ पे फ्यूचर टाइम है। और टेंस को हम लोगों ने पहले से ही डिफाइन कर रखा था कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस आर इवेंट विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी टेंस हमें वर्ब के रूप के द्वारा निश्चित करने में मदद मिल जाती है, और टाइम को डिनोट करने वाला कोई एक शब्द, कोई एक फ्रेज या कोई एक वाक्य हो सकता है जिसके जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि वो टाइम हमारा प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है। जिन विद्यार्थियों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर इस लेक्चर सीरीज का अटेंड नहीं किया है वो हमारे चैनल एडुओरिगा पे जा करके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लैंग्वेज प्लेलिस्ट के अंतर्गत डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस एस्पेक्ट सिस्टम इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करके उन बातों को समझ सकते हैं। और उस लेक्चर में हमने आपको बताया कि जो हमारा टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का है उसे कैसे टेंस से हम लोग जो है अलग करके देखते हैं। यानी टाइम और टेंस दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है और दोनों को अलग अलग शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है किसी भी एक वाक्य में जो टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के अंतर्गत लिखा गया हो। तो अब ये बात आई कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस एस्पेक्ट सिस्टम, इसके जरिए हम लोग क्या सीखेंगे। टाइम रिप्रेजेंटेशन यानी समय का प्रस्तुतिकरण इन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम, यानी टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के किसी भी वाक्य में, चाहे वो किसी भी प्रकार का वाक्य हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, किसी भी प्रकार का टेंस एस्पेक्ट सिस्टम हो, उस टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में समय के प्रस्तुतिकरण को हम कैसे समझ सकते हैं कि मतलब समय कितने रूपों में हमको दिखाई पड़ सकता है, चाहे वो प्रेजेंट का टाइम हो, पास्ट का टाइम हो या फिर वो फ्यूचर का टाइम हो। तो हमने आपसे ये कहा कि चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसे तो हम लोग आइडेंटिफाई कर ही ले जाएंगे, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ये समझना चाहते हैं कि चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का टाइम हो, वो कितने रूपों में हमको देखने को मिल सकता है। तो हमको दो रूपों में टाइम मिल सकता है टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के अंतर्गत, और वो दो कौन कौन से रूप हैं। एक तो वो बिंदु के रूप में मिल सकता है जो कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, और दूसरा हमारा समय अंतराल के रूप में मिल सकता है, मतलब समय जो है वो कुछ अंतराल के रूप में मिल सकता है जिसकी माप आपको दी जा सकती है। जैसे आपने बोल दिया 4 घंटा, 2 महीना, 1 दिन, है कि नहीं, 5 मिनट, ये सब चीजें क्या है, समय अंतराल है, 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, पिछले वर्ष से अब तक, तो ये सारी बातें क्या है, समय अंतराल है, पीरियड ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हमने कह दिया 19th January, या फिर हमने बोल दिया आज प्रातः 9 बजे, या फिर कल शाम 6 बजे, तो ये सारी बातें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, 1997 से, तो ये सभी बातें आपको क्या बताती हैं, समय का एक एग्जैक्ट पॉइंट बताती हैं जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो टाइम रिप्रेजेंट करने के तरीके हुए टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में, वो दो तरीके हुए, एक को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम बोलने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको समय को व्यक्त करने वाला जो शब्द है, फ्रेज है या फिर सेंटेंस है, उसके जरिए आप लोग जो है समय के किसी एक बिंदु का आभास कराते हैं, समय के किसी एक बिंदु के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कह लेते हैं। और यदि आप लोग समय को व्यक्त करने वाले शब्द, फ्रेज या सेंटेंस के जरिए समय की एक माप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं। यानी पीरियड ऑफ टाइम इज आल्सो नोन एज मेजरमेंट ऑफ द टाइम, ठीक है, यानी समय की जो माप है अगर वो आपको सेंटेंस में दे दी जाती है तो उसे हम लोग कैसा कंसिडर करेंगे, उसे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे। और यदि आपको समय बता दिया जाता है कि मतलब कितने बजे, किस तारीख को, किस दिन, है कि नहीं, किस तारीख को, किस दिन, किस पहर से, ये सारी बातें हमको पॉइंट ऑफ टाइम बताती हैं, किस शताब्दी में, ये भी चीजें आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बातें समझी कि भाई
किसी भी टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के वाक्य में टाइम को दो रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, एक तो बिंदु के रूप में जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु कहते हैं, और दूसरा पीरियड यानी अंतराल के रूप में जिसे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अंतराल के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये कितने तरीके का हो सकता है, और इन बातों को हम लोग डिटेल में विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमको बातें बहुत ही स्पष्ट हों, क्योंकि ये सारी बातें हमें टेंस एस्पेक्ट सिस्टम का बेस तैयार करने में बहुत ही अच्छी मदद करने वाली है। यानी टेंस की डेफिनेशन, उसका प्रकार, टाइम की डेफिनेशन और उसका आइडेंटिफिकेशन और उसका टेंस के साथ में डिफरेंस, और ये लास्ट लेक्चर इस सीरीज का कि टाइम रिप्रेजेंटेशन इन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम। इतनी बातें सीखने के बाद में आप टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को सीखने का बेस तैयार कर पाएंगे जिस पर हम लोग हर एक टेंस को एनालाइज करेंगे और हर एक कसौटियों पर कस करके उसे देखेंगे कि जो चीज़ें हम लोगों ने तैयार कर रखी है वो हमें मदद कर रही हैं लर्निंग में कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम कितने प्रकार का हो सकता है और उसे हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये इसी प्रकार का है। तो मित्रों अब हम लोगों को बात करनी है पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, और पॉइंट ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी भी वाक्य में उसके संबंध में हमको बात करनी है। तो आप हमारे साथ में हेडिंग लगा सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु। ठीक है, समय बिंदु के बारे में अभी अभी हमने आपको डेफिनेशन दे दी कि समय बिंदु बोलने का मतलब हुआ क्या कि जब कभी भी हमको टाइम जो है एक पॉइंट के रूप में दिया गया हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंपल सी बात है। अब अगर हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हमको तीन तरीके से देखने को मिल सकता है। एक एक करके चीजों को आराम आराम से समझेंगे और आप हमारे साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा और चीजों को नोट आउट करते हुए चलिएगा। ठीक है, जो पहला पॉइंट ऑफ टाइम आपको देखने को मिल सकता है या फिर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम। और ये सारी बातें एक्शन को ध्यान में रखते हुए निकाली जा रही। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम बोलने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम बोलने का मतलब हुआ शुरुआती समय बिंदु। इसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं शुरुआती समय बिंदु। शुरुआती समय बिंदु, शुरुआती समय बिंदु से मतलब क्या हुआ, शुरुआती समय बिंदु से मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के जरिए, इस समय बिंदु के द्वारा आप लोग किसी कार्य के शुरुआती समय बिंदु को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई कार्य, कोई प्रक्रिया, कोई अवस्था या कोई कार्यक्रम जहां से शुरू होता है, जिस समय बिंदु से शुरू होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग क्या कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं। बात आपको समझ में आई, यानी हम लोग कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। किसी भी एक्शन के बिगिनिंग को व्यक्त करने वाला जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम होता है। दूसरा, हमारे पास में इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम बोलने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं माध्यमिक समय बिंदु। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, माध्यमिक, या फिर इसको हम लोग मध्यम समय बिंदु भी कह सकते हैं। वैसे मध्यम तो कहना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि मध्यम बोलने का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल मध्य में हो, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये किसी भी कार्य के बीच में, यानी कार्य के शुरुआत होने के बाद और कार्य के समाप्त होने के पहले के समय अंतराल में कोई भी अगर हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन के बारे में बोलने की कोशिश करें तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हमारा क्या होगा, किसी भी कार्य के मध्यम चरण के किसी एक समय बिंदु पर बात करने की कोशिश करेगा, तो इसे हम लोग बोल देंगे इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम। और जो तीसरा पॉइंट ऑफ टाइम का रूप आपको देखने को मिल सकता है वो कार्य के अंतिम चरण को व्यक्त करने के लिए होता है और उसे हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अंतिम समय बिंदु। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अंतिम समय बिंदु।
बात आपको क्लियर हुई? तो अगर इन तीनों चीजों की डेफिनेशन आप अपने से बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या दर्शाता है? किसी भी एक्शन के शुरुआत होने के समय के बारे में बात करता है। इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या दर्शाता है? किसी भी कार्य के मध्यम चरण के किसी एक समय बिंदु के बारे में बात करता है। मतलब कोई एक ऐसा समय बिंदु है जो कार्य के शुरू होने के पश्चात का है और कार्य के समाप्त होने के पूर्व का है, और उस समय बिंदु पर आप कार्य का जो भी रूप है उसे आप दिखाना चाहते हैं, अपने लिसनर से बोलना चाहते हैं या फिर अपने रीडर्स को लिख करके बताना चाहते हैं, तो उस समय बिंदु को जो कार्य के मध्यम चरण के किसी एक बिंदु के बारे में बात करेगा उसे हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम कह देंगे। और अगर हम लोग फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो यह वह समय बिंदु है जो आपको किसी कार्य के अंतिम समय से अवगत कराता है या फिर अंतिम चरण से अवगत कराता है। यानी कोई कार्य जहां पर समाप्त हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम को अगर आप मेंशन कर रहे हैं अपने वाक्य में तो उसे हम लोग बोलेंगे फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम लोग एक एक करके इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम को हम कैसे पहचान सकते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम को हम कैसे पहचान सकते हैं और फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम को हम कैसे पहचान सकते हैं और किन प्रेपोजिशंस की मदद से हम लोग इनको टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के वाक्यों में जोड़ सकते हैं। तो मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम के संबंध में, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम को अभी अभी हमने आपके सामने लिखा, इसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं? शुरुआती समय बिंदु। इसको हम कह सकते हैं शुरुआती समय बिंदु। और शुरुआती समय बिंदु या इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या दर्शाता है? किसी भी एक्शन के शुरू होने का जो समय बिंदु है उसके बारे में बात करता है। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स लेते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम के। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से, हमने यहां पे लिखा रोहन स्टार्ट्स रीडिंग न्यूज़पेपर, रोहन स्टार्ट्स रीडिंग न्यूज़पेपर एट 9 AM। अगर हम लोग इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में रोहन के रूप में आपके सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट्स के रूप में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे एस लगा करके प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की व्यक्त करने की कोशिश की है। आपको पता है कि वर्ब का स्पेसिफिक फॉर्म आपको टेंस एस्पेक्ट सिस्टम देता है, तो जैसे ही आप वर्ब का फॉर्म डिफाइन कर देंगे आप टेंस भी वहीं पर क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस हमारा क्या होता है? क्रिया का एक रूप होता है। तो जैसे ही हमको क्रिया का ये रूप दिखाई पड़ा मेन वर्ब के रूप में तो हमने यहाँ पे टेंस आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस चल रहा है। इसके बाद में रीडिंग क्या है? रीडिंग जो है हमारे पास में यहाँ पर नेम ऑफ एन एक्शन है, नेम ऑफ एन एक्शन है। और जब कभी भी किसी एक्शन को आप जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा करके व्यक्त करना चाहते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में जिरंड कहते हैं। तो ये चीज हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये हमारा एक नेम ऑफ एक्शन है जो कि हम लोगों ने वर्ब में ing लगा करके पुटअप करने की कोशिश की है। इसे आप मेन वर्ब समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होगा जिस दिन उस दिन इसके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस को व्यक्त करने वाली हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस को व्यक्त करने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। तो इसके साथ में कोई सहायक क्रिया यहाँ पर नहीं लिखी गई है, इट मीन्स इट इज नॉट योर प्रिंसिपल वर्ब, ये आपकी प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, ये हमारा नेम ऑफ एन एक्शन है जो रोहन शुरू करता है। क्या पढ़ना शुरू करता है? न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करता है। तो न्यूज़पेपर यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर नहीं होगा तो रोहन के द्वारा पढ़ने का कार्य नहीं संपन्न किया जा सकता है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट का संबंध वर्ब के साथ में सीधा है, इस वजह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका समझिएगा कि जिस ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद में कोई एक ट्रांजिटिव एक्शन
अपना कंप्लीटनेस खो देता है, यानी वो पूर्ण नहीं हो पाता है वाक्य में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो न्यूज़पेपर जैसे ही आप हटाएंगे तो आप बोलेंगे रोहन स्टार्ट्स रीडिंग एट 9 AM, तो आपके सामने एक सवाल आएगा कि वो क्या पढ़ता है, व्हाट डज रोहन स्टार्ट्स रीडिंग। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एट लगाया हमने, एट हमारा क्या है, एट हमारा प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के बाद में हमने यहां पर मित्रों क्या व्यक्त करने की कोशिश की है, यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट ऑफ टाइम व्यक्त करने की कोशिश की है। घड़ी का कोई भी एक बजे, यानी घड़ी के द्वारा दिखाया जाने वाला कोई भी एक समय पॉइंट ऑफ टाइम के तरीके से कार्य करता है। और अगर हम लोग इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो ये वह पॉइंट ऑफ टाइम है जहां से रोहन ये कार्य स्टार्ट करता है, पढ़ने का कार्य जहां से वो क्या करता है, शुरू करता है। इस वजह से हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम को क्या कहेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग यहां पर बोलेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम के द्वारा हम लोग किसी एक्शन के शुरू होने के समय का ज्ञान करवाते हैं। बात कंफर्म। अगला एक एग्जांपल हम लोग यहां पे देखते हैं। अगला एग्जांपल हमने इस तरीके से आपके सामने लिखने की कोशिश की, He has been reading. He has been reading books since morning. अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर आपको क्या क्या बातें दी गई हैं। He के रूप में आपको सब्जेक्ट दिया गया है, has been के रूप में आपको प्राइमरी ऑग्ज़ीलरी वर्ब यानी प्राथमिक सहायक क्रिया दी गई है, जिसे आप लोग हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद में आपको रीडिंग के रूप में यहाँ पर क्या दिया गया है, मेन वर्ब दी गई है। मेन वर्ब बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी मुख्य क्रिया है, जिसे आप प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं has been, have been, had been, will have been और shall have been के साथ में अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा करके आपने उपयोग में लाया तो ये दोनों लोग मिल करके आपको क्या बताने की कोशिश करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक जो चीजें हैं इनके जरिए आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जरिए आप लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस हमारा यहां पे क्लियर हो गया। जैसे ही हमने फॉर्म ऑफ वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया हम टेंस तुरंत बता देंगे वहां पे क्या होगा। फिर इसके बाद में बुक्स क्या है, बुक्स हमारा यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सिंस यहां पे क्या है, सिंस यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए एक प्रेपोजिशन है। और मॉर्निंग यहां पे क्या है, जब से इसने पढ़ना स्टार्ट किया है, जब से इसने किताबें पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, तो मॉर्निंग यहां पे क्या हो गया, मॉर्निंग दिन के एक पहर का नाम होता है और ये हमारे पास में हुआ पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में। अब अगर हम लोग बात करें कि ये टाइम प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, तो जब हम लोग इस सेंटेंस को डिलीवर कर रहे हैं उसके पहले का ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पहले का समय है। और अगर मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पहले का समय है तो इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, यानी सिंस का प्रयोग हम लोग पास्ट के इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग हम लोग पास्ट के इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए करते हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इन पास्ट। बात आपको क्लियर है। तो सिंस हमारा वो प्रेपोजिशन है जिसके जरिए ये पास्ट का इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट के इस एक्शन के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी ये क्या है, जारी है।
इस वजह से हम लोग ऐसा कह पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पहले का पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, जबकि एक्शन हमारा यहाँ पे अभी भी क्या है, उपस्थित है। और अगर एक्शन अभी भी उपस्थित है, अभी भी जारी है, तो हम लोगों को वहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा। और चूंकि इस एक्शन का बहुत सारा भाग कंप्लीट हो चुका है और अभी भी इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है, इस वजह से ये परफेक्ट भी है और हमारे पास में प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट में है, यानी कंटिन्यूअस हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमारा टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास में मॉर्निंग हुआ, जो कि पास्ट का इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम है। और इसे अपने टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के वाक्य से जोड़ने के लिए हमने किस प्रकार का प्रेपोजिशन लगाया, सिंस का प्रयोग किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस के जरिए हम लोग पास्ट का इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में जोड़ सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स दे करके हमने आपको समझाने की कोशिश की क्या कि इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअल में आपको किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो हमने ये भी देखा यहाँ पर कि इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम को अपने सेंटेंस से जोड़ने के लिए, टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के वाक्य से जोड़ने के लिए हम लोग एट प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग सिंस प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो प्रेपोजिशंस भी हम लोगों ने सीखा और पॉइंट ऑफ टाइम के दो रूपों को भी हमने सीखा। एक पॉइंट ऑफ टाइम हमको घड़ी के एक एग्जैक्ट समय के रूप में दिया गया है और एक पॉइंट ऑफ टाइम हमको दिन के एक पहर के रूप में दिया गया है। तो अब हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअल में कैसे कैसे हो सकते हैं। ये हम लोगों ने बात की कि भाई इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम हमें कैसे दिया जा सकता है। लेकिन अब एक बात हम लोग यहाँ पर और सीखने वाले हैं, जो कि हम थोड़ी ही देर में सीखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम और फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके बाद में हम लोग इस बात पर आएंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअल में घड़ी का एक बजे हो सकता है, कोई भी एक मोमेंट हो सकता है, और कितनी बातें हो सकती हैं जो कि पॉइंट ऑफ टाइम में इंक्लूड की जा सकती हैं, चाहे उनको इनिशियल बनाना हो, चाहे इंटरमीडिएट बनाना हो, या फिर उनको फाइनल बनाना हो, उसे भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम के संबंध में। तो मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम के संबंध में, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम। इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम के जरिए आप लोग क्या व्यक्त करने की कोशिश करते हैं? इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम के जरिए आप लोग किसी भी कार्य के मध्यम चरण के किसी एक बिंदु पर ऑब्जर्वेशन को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इस बात को एग्जांपल के जरिए समझिएगा, बातें आपको बेहतर समझ में आएंगी। जैसे हमने एक सेंटेंस आपके सामने इस तरीके से लिखने की कोशिश की, रोहन वाज डांसिंग at 10 a.m. yesterday। तो इस पूरे सेंटेंस को अगर आप लोग जांच पड़ताल करेंगे तो पाएंगे रोहन यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, एक डूअर है, और वाज यहां पे क्या है, वाज हमारे पास में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और इसके बाद में हमने क्या लिखने की कोशिश की है, इसके बाद में हम लोगों ने मेन वर्ब लिखने की कोशिश की है, और ये मेन वर्ब हमने बनाई कहाँ से है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाई है, जो कि कंटिन्यूअस एक्शन या एक्शन की कंटिन्यूटी बताता है। और इन दोनों को अगर एक साथ में मिला दें तो वर्ब का फॉर्म तैयार होता है। और इस वर्ब के फॉर्म के जरिए आप लोग क्या व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, और जैसे ही फॉर्म ऑफ वर्ब क्लियर हुआ आप टेंस वहां पर क्लियर कर सकते हैं। एट प्रेपोजिशन हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ के बाद में हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम देने वाले हैं, और ये पॉइंट ऑफ टाइम आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम कब का है, 10 बजे का है। और ये 10 बजे का समय कब का है, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पहले का समय, यानी जब हम इस कार्य के संबंध में बात कर रहे हैं तो इस बात करने के समय यानी वार्तालाप के समय यानी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के समय अंतराल का है ये 10 एएम, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान से बताएं, यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, अगर इस एक्शन को अगर आप देखें
तो यहाँ पर आपने क्या देखने की बोलने की कोशिश की है, यहाँ पर आपने एक एडवर्ब ऑफ टाइम लिखने की कोशिश की है जिसके जरिए आप बताते हैं कि जो समय हम लोग ले करके चल रहे हैं वो बीते हुए कल का है। तो जैसे ही ये बात आपको क्लियर हुई तो आपने बोल दिया कि जो भी टाइम होगा यहाँ पर वो टाइम कब का होगा, पास्ट का टाइम होगा। ये तो क्लियर हो गया। टेंस आपने मेन वर्ब के फॉर्म के जरिए क्लियर कर दिया कि भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जैसा टाइम हुआ उस हिसाब से हमने क्या अप्लाई किया, टेंस भी अप्लाई कर दिया। भाई पास्ट का टाइम है तो हमने टेंस यहाँ पे अप्लाई कर दिया जो उससे कनेक्ट हो सकता है। और अगर इन दोनों चीजों को आप एक दूसरे के साथ में जोड़ दें, एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है और मेन वर्ब जो कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बता रही है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पास्ट के टाइम में यानी बीते हुए समय में कोई एक कंटिन्यूअस एक्शन हुआ, यानी कोई एक ऐसा एक्शन हुआ जो कुछ समय से स्टार्ट हुआ किसी समय पर और कुछ समय तक चला, और उस समय के बीच में एक समय बिंदु आया 10 बजे का, और उसी दौरान आपने इस एक्शन को ऑब्जर्व किया और आपने देखा कि उस समय बिंदु पर यह एक्शन कंटिन्यू था, और उसके बाद में आप आ गए और अपने लिसनर के सामने ये बात आपने प्रस्तुत कर दी कि भाई रोहन जो है वो क्या कर रहा था, वो बीते हुए कल में 10 बजे नाच रहा था। तो आपने क्या व्यक्त करने की कोशिश की, आपने टोटल कंटिन्यूअस एक्शन व्यक्त करने की कोशिश नहीं की, आपने एक्शन की कंटिन्यूटी को, कार्य की अनवरतता को बीते हुए समय अंतराल के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु पर आपने व्यक्त करने की कोशिश की। यानी ये जो सामने आपके लिखा हुआ है, यह आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक कंटिन्यूअस एक्शन का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन बोलने का मतलब जिस समय बिंदु पर आपने उस कंटिन्यूअस एक्शन को देखा, और केवल आप उतनी ही बात यहां पर डिलीवर कर दिए अपने लिसनर के सामने। तो आपने क्या कहा, बीते हुए कल में सुबह के 10 बजे रोहन क्या कर रहा था, नाच रहा था। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ये एक्शन के बीच का कहीं का समय बिंदु है, इस वजह से ये जो पॉइंट ऑफ टाइम आप यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं ये हमारा कैसा पॉइंट ऑफ टाइम है, ये हमारा एक इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी ये एक माध्यमिक समय बिंदु है, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम, और ये पास्ट का है, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। बात आपको क्लियर है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल आपके सामने लिखने की कोशिश करें और हमने इस तरीके से लिखा, रोहन इज डांसिंग एट 10 AM और उसके बाद में हमने यहां पे लिखा टुडे। टुडे के जरिए आप लोग बताते हैं आज का दिन, ठीक है। तो जैसे ही आपने लिख दिया टुडे तो आपके दिमाग में ये बात चलने लगे कि जो समय अंतराल हम लेकर के चल रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें इंडिकेट करता है कि हम आज के दिन के किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन टेंस तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में एक्शन के टाइम को मेजर करने के बाद में बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे टेंस भी डिफाइन किया हुआ है, रोहन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके साथ में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखी है। तो ये हमारा पूरा वर्ब का फॉर्म है जो हमको बताता है कि हम यहाँ पर टेंस कौन सा ले रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत कुछ बता करके जाएगा ये सेंटेंस आपको। हमने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, टेंस का मतलब हुआ मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के सापेक्ष में किसी भी एक्शन, प्रोसेस, स्टेट या इवेंट के टाइम को बयान करना। दूसरे शब्दों में समझिएगा, वार्तालाप के समय के सापेक्ष में किसी कार्य, प्रक्रिया, अवस्था या कार्यक्रम इत्यादि के समय को व्यक्त करने का काम कौन करता है, टेंस करता है। और ये जो टेंस है वो क्या है, वर्ब का एक रूप है। तो वर्ब का वह रूप जो वार्तालाप के समय के सापेक्ष में किसी कार्य, प्रक्रिया, अवस्था या फिर कार्यक्रम इत्यादि के समय को व्यक्त करने की कोशिश करता है वो टेंस कहलाता है। तो हमने बोल दिया कि भाई ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, टेंस बना रहे हैं, ठीक। अब ये टेंस कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलने का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूटी ऑफ दैट एक्शन इज प्रेजेंट।
मतलब क्या हुआ, किसी भी एक्शन की अनवरतता जब उपस्थित हो तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये कहता है कि यहाँ पर एक्शन की कंटिन्यूटी प्रेजेंट है। यानी इस वर्ब के फॉर्म के जरिए हम क्या बताना चाहते हैं कि कार्य में अभी भी अनवरतता है। अनवरतता बोलने का मतलब प्रगतिशीलता है। प्रगतिशीलता बोलने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अभी भी क्या पड़ा हुआ है, प्रोग्रेसिवनेस पड़ा हुआ है, प्रोग्रेसिवनेस पड़ा हुआ है। और इसी वजह से हमने इसको प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में व्यक्त किया है, और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है इसी वजह से हमने क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस लिखा हुआ। तो ये प्रेजेंट है, इसका मतलब अभी इसमें प्रगतिशीलता है। तो अगर अभी इसमें प्रगतिशीलता है और आपको इस आपने इस बात को एक खास पॉइंट ऑफ टाइम से कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही ये एक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम से थोड़ा सा भी एक्सीड करेगा तो आपका ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ये पाएंगे कि रोहन इज डांसिंग एट 10 AM, और उसके बाद आप ये भी पाएंगे रोहन इज डांसिंग एट 10:01 AM, इसका मतलब 10:01 पर भी वह डांस कर रहा है, 10:02 पर भी वह डांस कर रहा है, 10:03 पर भी वह डांस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस के अंदर इस पॉइंट ऑफ टाइम की जो वैलिडिटी है वो बहुत ही अल्प है, इस वजह से हमको इसे यहां पर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और इसे भी हमें यहां पर बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बात आपको समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मेंशन करते हैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग उस एक्शन को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। रीजन उसका ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पर किसी भी एक्शन की प्रगतिशीलता के बारे में बात करता है, प्रोग्रेसिवनेस के बारे में बात करता है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। इस वजह से इस एक्शन में मोमेंट बाय मोमेंट चेंजेज आ रहे होते हैं, और जब तक वो चेंजेस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोगों को उसे प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में ही व्यक्त करना होता है, और हम लोग उसके साथ में किसी एक खास समय बिंदु को नहीं व्यक्त करते। और टुडे हमने यहाँ से क्यों हटाया, टुडे हमने यहाँ से इसलिए हटा दिया क्योंकि जब आप इस एक्शन को बोल रहे हैं जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे, उस मोमेंट ऑफ टाइम का जो समय है वो टाइम ऑफ एक्शन के समय के बिल्कुल सिमिलर है। तो जब आप बोल रहे हैं तो उस टाइम पे रोहन डांस कर रहा है, तो लोगों को ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो कितने बजे डांस कर रहा है और कब डांस कर रहा है। लोग उसे देख सकते हैं आपके सेंटेंस का वेरिफिकेशन करने के लिए कि आप सत्य बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, वो लोग उसे देख सकते हैं और वो प्रत्यक्ष है। तो जो एक्शन प्रत्यक्ष है उसके लिए ये सब चीजों को मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक रीजन हुआ जिस रीजन की वजह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में मोमेंट ऑफ स्पीकिंग को कभी भी व्यक्त करने की कोशिश नहीं करते। और अगर आपने गलती से भी रोहन इज डांसिंग टुडे यहां पर लिख दिया तो इसका ये कदापि मतलब नहीं होगा कि रोहन आज नाच रहा है ना, इसका ये मतलब होगा कि रोहन आज नाचने वाला है। बात आपको क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में हम लोग ये काम नहीं कर सकते जो कि हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस मैं आपके सामने और इस सीरीज में लिखना चाहूंगा, जो कि आपके दिमाग में ये जिज्ञासा होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में तो पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्लेन हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में भी एक्सप्लेन हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के केस में कैसी बातें हमारे सामने आती हैं उसे भी हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। हालांकि ये बातें आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फिर से आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही तो इसे भी हम लोग सीख लेते हैं। एक सेंटेंस हमने आपके सामने यहाँ पर लिखने की कोशिश की, रोहन विल बी कमिंग होम नेक्स्ट ईयर। और ये सेंटेंस मैं अपनी क्लास में बहुत बार लिख चुका हूँ और ये सेंटेंस आपको बहुत चीज़ें सिखाता है और हर एक बात को क्लियर कर देता है। रोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। विल बी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे आप लोग हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं।
कमिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है जिसको आपने किस तरीके से बनाया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगा करके इसे बनाया है, और ये दोनों लोग मिलकर के एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब तैयार करते हैं जो हमको बताता है कि हम लोग यहाँ पर टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेंस हमारे सामने आ गया, सॉरी फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। और होम यहाँ पे क्या है, होम यहाँ पे डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन होने के साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आगमन स्थान है। डेस्टिनेशन बोलने का मतलब ऐसे गंतव्य स्थान होता है, लेकिन डेस्टिनेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं, यानी जो प्लेस है ये एक आगमन स्थान के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया। और नेक्स्ट ईयर बोलने का मतलब क्या हुआ, अगले वर्ष, और हमने यहाँ पर अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर लिख करके ये बता दिया कि हम लोग यहाँ पर जो टाइम ले रहे हैं वो कैसा टाइम ले रहे हैं, फ्यूचर का टाइम ले रहे हैं, यानी हम लोग यहाँ पर कार्य को एक्चुअली प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये कार्य एक्चुअली अभी घटित नहीं हुआ है, अभी आने वाले समय में इसके घटने की संभावना है, या कोई सुनियोजित जो है सुनियोजित प्लान है इसके लिए, या फिर प्रबल संभावना या भविष्यवाणी, यही सारी बातें हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर के टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी एक्शन के सापेक्ष। तो हमने यहाँ पे ये सारी बातें लिख दी। और अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकाल पा रहे होंगे, जैसा कि आपको बताया जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंत में आपको क्या मिलेगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो क्या इस तरीके से आप अनुवाद इसका निकालेंगे, मैं आपके सामने हिंदी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, रोहन, रोहन अगले वर्ष घर आ रहा होगा। इस सेंटेंस का कुछ अर्थ निकलता है, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर अरेंज्ड ग्रामेटिकली टू प्रोड्यूस अ सेंस, अ कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण भाव व्यक्त करने वाले शब्दों का समूह जिनको किसी ग्रामर के आधार पर यानी किसी व्याकरण के आधार पर जोड़ करके रखा गया है एक दूसरे से, और वो कंप्लीट सेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसका अपना एक भाव होता है, जिसका अपना एक एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व होता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें ध्यान से, हिंदी हमने यहां पर सभी शब्दों को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, रोहन अगले वर्ष घर आ रहा होगा, इसका अर्थ ये निकलेगा कि वो अगले वर्ष जब से शुरू होगा और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो ये कार्य करता रहेगा। जबकि ऐसा नहीं है, हम सेंटेंस में बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहन अगले वर्ष घर आएगा, और इस बात के बारे में बहुत सारे तथ्य सुनियोजित हो चुके हैं, यानी हम एक प्लांड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और इस सेंटेंस के जरिए हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन ये बिल्कुल नहीं होने वाला जो हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर हम लोग एक फ्यूचर के रिस्पेक्ट में यानी आने वाले समय के सापेक्ष में एक प्लांड एक्शन को व्यक्त करने की कोशिश की है, जिसको हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की। अब हम इस नेक्स्ट ईयर के साथ साथ में एक और पॉइंट ऑफ टाइम, तो यानी इसका जो अनुवाद है वो ये कदापि नहीं होगा, इसका अनुवाद ये बनेगा, रोहन विल बी कमिंग होम नेक्स्ट ईयर, यानी रोहन अगले वर्ष घर आएगा, और इस बारे में बहुत सारी बातें सुनियोजित हैं, ऐसा आप इस सेंटेंस में व्यक्त करना चाहते हैं। एक और सेंटेंस हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से इस तरीके से लिया, ही विल बी रीडिंग, He will be reading books at 9 a.m. He will be reading books at 9 a.m. इसका अर्थ क्या निकलेगा? He का हमारा क्या हो जाएगा? Subject will be हमारा हो जाएगा helping verb, जिसे आप primary auxiliary verb के section से उठा रहे हैं, और reading हमारे पास में हो गया verb के first form में ing, जो कि हमारा main verb indicate कर रहा है, और दोनों लोग मिल करके आपको again क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, future continuous tense। books यहाँ पे क्या है, books यहाँ पे direct object है, चूंकि अगर हम लोग books हटा देते हैं तो यहाँ पर reading का काम complete नहीं हो सकता, यानी इसका संबंध verb के साथ में सीधा है, तो इसे direct object बोल देंगे। at preposition है जो अपने बाद में पॉइंट ऑफ टाइम को इंक्लूड कर सकता है, और पॉइंट ऑफ टाइम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 9 बजे, और ये 9 बजे का समय कब का है, आपके मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी वार्तालाप के समय के बाद में आने वाले काल्पनिक समय अंतराल का है।
इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग इस तरीके से फिर से मत निकालने की कोशिश करिएगा कि रोहन 9 बजे किताबें पढ़ रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोहन 9 बजे किताब पढ़ना शुरू करेगा। एक और तरीके से आप समझने की कोशिश करिए, आप किसी के भविष्य में अगर झांक सकते हैं तब आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं, आपने उसका भविष्य देख लिया हो पूर्ण रूप से। अभी तो 9 बजे का समय ये आया ही नहीं, और अगर ये 9 बजे का समय आया ही नहीं इसी वजह से तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर टाइम बोल रहे हैं। फ्यूचर का टाइम हम लोगों ने कहां पर डिफाइन किया था, इमेजिनरी टाइम में। इमेजिनरी टाइम का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक समय, यानी ये समय की केवल कल्पना की गई है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो 9 बजे किताब पढ़ रहा होगा। लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा इस बात की कोई गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये समय पूर्ण रूप से काल्पनिक है और ये समय अभी आया नहीं है। और अगर ये समय आया नहीं है तो इस समय के सापेक्ष में आप इस एक्शन को मध्यम चरण तक कैसे ले जाकर के बात कर सकते हैं। आप इसका प्रथम चरण बोल सकते हैं कि हाँ वो 9 बजे से किताब पढ़ना शुरू करेगा, और ये भी एक संभावना होगी, पता नहीं शुरू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के वाक्य हमने आपके सामने लिखने की कोशिश की है। ऑल्दो द सेंटेंस इज टोटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस में कोई फॉल्ट नहीं है, ना तो इस हेल्पिंग वर्ब में कोई फॉल्ट है, ना तो इस मेन वर्ब में कोई फॉल्ट है, और ऐसा भी नहीं कि ये टेंस एस्पेक्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, ये टेंस एस्पेक्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। लेकिन जितने फ्यूचर के जितने भी टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी टाइम के रिस्पेक्ट में बयान किए गए होते हैं, बोले गए होते हैं। इस वजह से उनको समझना जरूरी होता है कि किस में प्लानिंग की बात की जा रही है, किस में प्रेडिक्शन की बात की जा रही है, किस में पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, और कहाँ पे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कहाँ प्रोबेबिलिटी है, और कहाँ पे किसी भी प्रकार का शेड्यूल है। ये सारी बातें हमको समझने की आवश्यकता होती है, और बिना समझे अगर हम टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को सीख लेते हैं तो हम उसे सीख ही लेते हैं केवल, उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसे हम लोग प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। और हमें कहाँ तक सीखना है, हमें प्रोडक्टिव लेवल तक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, तो उसके लिए हमें इसका अर्थ और हमें इसका सेंस और हमें इसका ग्रामेटिकल एस्पेक्ट सब कुछ समझने की आवश्यकता है, तभी हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे गलत लिखा गया और कहाँ पे सही लिखा गया, किस कौन सी बात किस सिचुएशन के लिए करेक्ट है और किस सिचुएशन के लिए इनकरेक्ट है। तो हमने अगर लिखा ही विल बी रीडिंग बुक्स एट 9 AM, तो यहाँ पर भी आप लोग एक सुनियोजित प्लान के तहत इस बात को बोल रहे हैं कि अगर सब कुछ स्थितियाँ नॉर्मल रहती हैं और जैसे हम लोगों ने निर्धारित किया है वैसा ही रहने वाला अगर है, तब ऐसा हो पाएगा कि 9 बजे तक जाते जाते ये क्या कर रहा होगा, किताबें पढ़ रहा होगा, लेकिन अभी इसने पढ़ने की शुरुआत नहीं की है। तो ये हमारा ये एक प्लान्ड एक्शन है। तो मित्रों अब तक के वीडियो लेक्चर के माध्यम से इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम और इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम, इन दो तथ्यों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया और ये भी जानकारी हासिल कर ली कि इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम हमें कब यूज करना चाहिए और कब हमें उसे नहीं यूज करना चाहिए। और इसी के साथ साथ में अब हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम को सीखने की आप कोशिश करिएगा हमारे साथ में। तो हम लोग अब बात करेंगे फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। और हम लोगों ने फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में बोला था क्या, अंतिम समय बिंदु। और इसे हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया था, अंतिम समय बिंदु वह समय बिंदु है जहां पर कोई कार्य के समाप्ति के संबंध में बात की जाती है, यानी किसी कार्य के समाप्त होने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम समय बिंदु या फिर फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ एक एग्जाम्पल्स हम लोग ले करके इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक एक्शन इस तरीके से लिखने की कोशिश की, हमने यहाँ पर लिखा रोहन स्टॉप्ड राइटिंग एट 11 AM। रोहन ने 11 बजे लिखना बंद कर दिया। अब यहाँ पर आपको पता है कि रोहन सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो कि मेन वर्ब के रूप में, तो जब कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आता है तो
तो ये हमको किस टेंस से अवगत कराता है? पास्ट इनडेफिनिट टेंस से अवगत कराता है। तो हम लोग यहाँ पर टेंस डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। इसके बाद में राइटिंग क्या है? राइटिंग हमारे पास में जिरंड के रूप में नेम ऑफ एन एक्शन है, नेम ऑफ एन एक्शन है, किसी कार्य का नाम है जो इस रोहन ने बंद कर दिया। अब बंद करने का टाइम क्या था? एट 11 AM। और ये 11 AM जो आप यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसके बाद में टुडे, यस्टरडे इत्यादि चीज़ें लिखने की कोशिश नहीं की है, तो आप हम लोग अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो 11 AM है वो आज का ही है 11 बजे, लेकिन हमारे मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पहले ये समय जो है गुजर चुका है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पास्ट टाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट टाइम। तो ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। और दूसरी बात ये है कि हमने इसके जरिए एक पॉइंट ऑफ टाइम भी व्यक्त करने की कोशिश की है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चूंकि एक एक्शन आकर के ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसे फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, यानी ये समय बिंदु हमें किसी एक्शन के अंतिम चरण का जो है दर्शन कराता है। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम है। एक और एक्शन मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा। हमने यहाँ पर लिखा रोहन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन मंडे। अब अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करें तो रोहन हमारे पास में क्या है? एक सब्जेक्ट है। हैड हमारे पास में एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये हैव फैमिली का पास्ट है। और कंप्लीटेड यहाँ पर चूंकि हैव फैमिली हमने पहले यूज कर रखी है, तो इस वजह से हम लोग इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म मानेंगे। और इन दोनों ने मिल करके वर्ब का एक स्पेसिफिक फॉर्म तैयार किया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब के फॉर्म के जरिए ये बता दिया कि हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। और परफेक्ट एस्पेक्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को कभी किसी भी एक्शन के कम्प्लीटनेस का अनुभव कराना होता है, यानी जब कोई कार्य हमारा समाप्त हो चुका होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पूर्ण हो चुका होता है उसके बारे में। हिज वर्क यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। हिज वर्क हमारा यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो ये जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है ये आपकी क्या हो जाएगी? इनकम्प्लीटेड हो जाएगी। यानी आप बोलते रहेंगे रोहन हैड कंप्लीटेड, लेकिन आपके सामने सवाल होगा व्हाट हैड रोहन कंप्लीटेड, यानी रोहन ने क्या पूर्ण कर लिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला रोहन हैड कंप्लीटेड, रोहन ने पूर्ण कर लिया था। हिज वर्क का मतलब अपना कार्य। कब उसने पूरा कर लिया था? मंडे को। मंडे बोलने का मतलब सप्ताह के एक दिन का नाम है, सप्ताह के एक दिन का नाम है। और चूंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एक्शन आकर के कंप्लीट हो गया था, तो इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। और हम लोग यहाँ पर पास्ट का टाइम यूज कर रहे हैं। ये जो मंडे है हमारे मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी वार्तालाप के समय के पूर्व के समय अंतराल का मंडे है, इस वजह से हम लोग बोलेंगे फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम हुआ पास्ट का। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम को लिख सकते हैं यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा किसी एक्शन के समाप्त होने को दर्शाया जाता है। और इसी तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में भी फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर सकते हैं, जो कि हमको पास्ट के टाइम का कोई एक अंतिम समय बिंदु बताता है जहाँ पर कोई एक्शन पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ था यानी पूर्ण हुआ था। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो वो हमको क्या बताने की कोशिश करता है? जैसे अगर आप कोई भी एक सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, मैं 2022 तक इंग्लिश लैंग्वेज सीख चुका होऊंगा, ठीक है, या फिर 2022 तक मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख लूँगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको आपने बहुत सारा कार्य कर लिया है, और यानी किसी कार्य के बहुत सारे चरण आपने पूर्ण कर लिए हैं,
और आप दृढ़ विश्वास के साथ में ये कह रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं ये एक्शन फला पॉइंट ऑफ टाइम पे जा करके कंप्लीट कर लूंगा। तो जब कभी भी आपको ये चीज बतानी होती है कि भविष्य के किसी काल्पनिक समय बिंदु पर, बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, भविष्य के किसी काल्पनिक समय बिंदु पर जा करके हमें बताना होता है कि ये एक्शन मैं वहां तक जा करके कंप्लीट कर लूंगा या फिर ये एक्शन वहां पर जा करके कंप्लीट हो जाएगा, और इस बात को हम लोग एक भविष्यवाणी के तौर पर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी भी एनालिसिस के द्वारा, किसी भी प्रकार के एनालिसिस के द्वारा। तो हम लोग इस प्रकार के वाक्यों को व्यक्त करते हुए फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम जरूर मेंशन करते हैं, जिस समय बिंदु पर जाकर के उस कार्य के पूर्ण होने की प्रबल संभावना हम अपने वाक्यों में प्रकट करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने इस तरीके से लिख रहा हूं, हमने यहां पर आपके सामने लिखने की कोशिश की है, रमेश विल हैव लर्न्ड English language, English language till 2022। अब अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करें तो हमने यहां पर will have के साथ किसी काल्पनिक समय बिंदु पर, जो कि आगे आने वाले समय अंतराल से हो, उस काल्पनिक समय बिंदु पर किसी कार्य के पूर्ण होने की प्रबल संभावना के संबंध में कोई भी भविष्यवाणी आप बताने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला रमेश विल हैव लर्न्ड, यानी रमेश सीख चुका होगा चीज। हम जो है यहाँ पर एक्शन को एक्चुअल में नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फ्यूचर का टाइम यूज कर रहे हैं, 2022 अभी आने वाला है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टाइम है ये फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम है, और हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, एक फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम है, एक फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम है, जो कि किसी एक्शन के कंप्लीट होने को दर्शाता हो या फिर किसी एक्शन के कंप्लीट होने की प्रबल संभावना इत्यादि को दर्शा रहा है। और चूंकि ये प्रबल संभावना बता रहा है, इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये कब का टाइम है, फ्यूचर का टाइम है। तो फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर इस तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग आज की ही डेट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, given tasks you will have completed all the given tasks at 9 AM। तो अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करें चलेंगे, और अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और विल हैव हमारे पास में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, कंप्लीटेड हमारे पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये दोनों लोग मिल करके हमको बताते हैं कि यहां पर जो टेंस एस्पेक्ट सिस्टम है वो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। हम लोग यहाँ पर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, चूंकि ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब हमको क्या बताती है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बताती है। ऑल द गिवन टास्क यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑल द गिवन टास्क जिसे कंप्लीट किया जाना है, और ये सारा काम कब कंप्लीट होने वाला है, 9 बजे सुबह में। अब 9 बजे सुबह का जो टाइम आप यहाँ पर लिख रहे हैं ये आज ही का समय है,
और साथ ही साथ में एक और बात है कि ये अभी 9 बजे की सुबह हुई नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर फ्यूचर के काल्पनिक समय को रिफर कर रहे हैं। ऐसी दशा में आपको यहाँ पर फ्यूचर का ही टेंस यूज करना पड़ेगा। तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हमने यूज किया। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हमने ये चीज करने, ये बात बताने के लिए यूज किया कि हम लोग ये कार्य कंप्लीट करने वाले हैं, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट करने वाले हैं, आज ही के 9 बजे सुबह कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन अभी 9 बजे का समय नहीं आया है, ना तो ये एक्शन शुरू हुआ है। ये एक्शन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई भी हमारे पास में स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी क्लरिफिकेशन नहीं है। हो सकता है ये शुरू भी हो चुका हो, जिसके बेसिस पे हम कह पा रहे हो कि ये 9 बजे खत्म होगा, लेकिन यहाँ पर जो निश्चित बात की गई है वो क्या कि ये 9 बजे तक ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस बाते में भविष्यवाणी कह लीजिए या फिर आप स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कह लीजिए किसी भी एनालिसिस के बेसिस पे। तो हमने देखा क्या कि हम लोग फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन कर सकते हैं, बशर्ते वो फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा वो फ्यूचर के काल्पनिक समय अंतराल से होगा। और ये क्या बताने की कोशिश करेगा, किसी एक एक्शन के जो कि शुरू हो चुका है या फिर शुरू होने वाला है, उसके अंतिम समय बिंदु के बारे में बात करेगा, जो कि एक प्रकार से भविष्यवाणी होगी उस कार्य के संबंध में, या फिर एक प्रकार की प्रबल संभावना होगी जिसको हम लोगों ने सर्टेन एनालिसिस के आधार पर तय किया होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। और कितने टेंसेस में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग टेंस एस्पेक्ट सिस्टम जब लर्न करना शुरू होंगे वन बाई वन, तो उस टाइम पर हम लोग इन चीज़ों को देख लेंगे। लेकिन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम है वो हमें किसी कार्य के शुरुआती समय बिंदु के बारे में बात करता है, जो इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम है वो हमें किसी कार्य के मध्यम चरण के किसी बिंदु पर ऑब्जर्वेशन को प्रस्तुत करने का काम करता है, और जो हमारा फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम है वह हमें किसी कार्य के अंतिम समय बिंदु के बारे में बात करने की इजाज़त देता है। तो इन सभी तथ्यों के साथ में इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम और इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम कैसा होता है और हम उसे कैसे पहचानते हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने जानकारी हासिल कर ली। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतनी ही बातें करने वाले थे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में पीरियड ऑफ टाइम का एक्सप्लेनेशन लेकर के, और वहाँ पर कुछ एक बातें जो पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में छूट रही हैं इस वीडियो लेक्चर में, उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी लर्निंग को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।